तो पंडित जी, हमारे शास्त्रों में पूजा के बारे में बहुत कुछ बताया गया है और यही वजह है कि आज हम लोग अपने दर्शकों के उनके नियम से जुड़ी, कपड़ों से जुड़ी चीज़ें बताएंगे। हालांकि जो कालचक्र के दर्शक हैं, मुझे लगता है बहुत कुछ जानकारी उनको होगी, क्योंकि अगर आप पंडित जी को भी देख लें तो ये समझ जाएंगे कि कौन से दिन कैसे कपड़े पहनने चाहिए और कैसे खास ध्यान रखना चाहिए। तो आज पंडित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप यही बताएं, पूजा तो करते हैं लेकिन उसके महत्व को भी समझें और पूजा करते समय किन कपड़ों को पहनकर करें, किन कपड़ों को ना पहने, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिसको ना पहने वो आप बताएं। देखिए, पहली बात तो पूजा क्या है? जब संसार से मन हटकर भगवान में मन तन्मय हो जाए, चाहे एक मिनट के लिए, वही पूजा है जी। पूजा का एक दूसरा नाम भी है उपासना। उपासना संस्कृत के उपविश आसन के नाम से जाना जाता है। उपविश आसन जी मतलब नजदीक होना, तन्मय होना, तल्लीन होना, ये उपासना का शाब्दिक अर्थ है। किसके तल्लीन होना, किसके सन्निकट होना? ईश्वर के सन्निकट होना, ईश्वर के नजदीक होना, ईश्वर के नजदीक होने का प्रयास करना, यह है उपासना जी। और पूजा है इस माया रूपी नश्वर संसार से आसक्ति को समेट कर शाश्वत सुख देने वाले ईश्वर में अपने मन को लगा देना, वो पूजा है। जी। हमारे यहाँ 18 महापुराण है। मद्वयम भद्वयम चैव वत्रयम वचतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानी पृथक पृथक। इन 18 महापुराणों में एक वराह पुराण भी है। वराह पुराण में 217 अध्याय हैं और लगभग 10,000 श्लोक हैं, जिनमें भगवान वराह के धर्मोपदेश कथाओं के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन्हीं उपदेशों में पूजा से जुड़े कुछ जरूरी नियम भी हैं, जहां भगवान वराह ने पूजा में कैसे और किस रंग के कपड़े पहने इसके बारे में बताया है। पूजा में नीले रंग, भूरे रंग और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये तीनों रंग शनि और राहु के हैं। शनि और राहु के रंग का कपड़ा पहनना दुर्भाग्य को निमंत्रण देना है। ये दोनों ही रंग पूजा के लिए अशुभ और अमंगलकारी है। अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो काले रंग को निराशा का प्रतीक माना गया है, जबकि लाल रंग को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। इसलिए शादी आदि शुभ कार्यों में लाल, पीले और गुलाबी रंगों का ज्यादा महत्व होता है। जब नीले, भूरे और काले रंगों की मनाही करते हैं तो उसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। काला रंग निराशा का प्रतीक है, ऐसी भावनाओं को शुभ कार्यों में नहीं आने देना चाहिए। देखिए, मैं सभी अपने दर्शकों से कहता हूँ कि आपका ड्रेस और एड्रेस, ये दोनों बहुत महत्व रखता है। अगर आप जिंदगी में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना चाहते हैं तो आप अपना दो चीज़ ठीक कर लीजिए, ड्रेस और एड्रेस। ड्रेस का मतलब खान पान तो आप अपने रुचि के अनुसार करिए, लेकिन कपड़ा आप दूसरों के रुचि के अनुसार पहनिए। दूसरों को आपका क्या कपड़ा अच्छा लगता है वो आपको पहनना चाहिए। अगर इस जगह आप अहंकार दिखाएंगे कि दुनिया गई भाड़ में, मुझे जो पहनना है वो पहनूंगा, तो आप भी भाड़ में जाएंगे। दुनिया भाड़ में जाए या ना जाए, आप भाड़ में जरूर जाएंगे। इसलिए स्वरुचि का भोजन और पर रुचि का वस्त्र हमें धारण करना चाहिए, जो दूसरों को सुहाना लगे, दूसरों को अच्छा लगे, दूसरों को आकर्षित करे, ऐसा ही वस्त्र हमें धारण करना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ड्रेस और एड्रेस, ये दोनों बहुत मायने रखते हैं। आपके परिवेश का बहुत बड़ा, समाज के ऊपर, लोगों के ऊपर, आपके सन्निकट रहने वाले लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए अशुभ भूषण, अशुभ वस्त्र धारण करके अगर आप समझें
कि हम कीर्तिवान हो जाएंगे, हम यशस्वी हो जाएंगे, हम मेधावी हो जाएंगे, तो ये असंभव है। इसलिए वस्त्रों की अपनी एक मर्यादा है और कौन सा वस्त्र कब कैसे धारण करना चाहिए उसकी भी अपनी एक मर्यादा है। अघोर पंथ की साधना करने वाले, वाम मार्ग की साधना करने वाले अगर काला कपड़ा पहने तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उनका काम ही तामसी है, उनकी पूजा ही तामसी है। लेकिन अगर आप सतोगुण में आस्था रखते हैं, ध्यान भजन सेवा में आपकी अनुरक्ति है, तो फिर आपको काला रंग, भूरा रंग और नीला रंग नहीं धारण करना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी तरह से मन में समझ लेना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।